हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर शमा। कैसे हो आप सारे लोग? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, आई एम बैक। हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि अब मैं वीडियो फ्रीक्वेंट बनाऊंगी, अरे मैं गायब हो गई थी वो करके, अब फिर से लेट हो जाता है करके। इस बार ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी मैं, हो गया। अदरवाइज आप लोग बोलोगे कि ये बहुत ज़्यादा लेजी है और ये इसका रोज का हो गया है। यस, कैसे हो आप सारे लोग? मैंने ऑलरेडी पूछ लिया, बट यस, बहुत दिनों के बाद जब मैं वीडियो बनाती हूँ कोई भी, आई गेट कन्फ्यूज। इतना डार्क है नहीं है जितना डार्क यहाँ दिख रहा है, लाइटिंग के चलते मे भी है पिगमेंटेशन, बट अभी कुछ ज़्यादा दिख रहा है। एंड अभी मेरे चेहरे की बैंड बच चुकी है बहुत ज़्यादा। कैन यू सी आउटसाइड? गर्मी, OMG, यहाँ पर 33-35 डिग्री टेम्परेचर हो गया है UK का, एंड इट्स डैम हॉट हेयर। उसके चलते पूरे फेस की बैंड बजी हुई है। दूसरा, मास्क पहन रहे हैं, मास्क के चलते मुझे थोड़े से स्किन इरिटेशन हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने मैंगोज़ बहुत सारे खा लिए हैं, एंड इफ़ यू गाइज नो कि मुझे मैंगो से एलर्जी है, वो सारा सब कुछ निकल रहा है धीरे धीरे करके। उसके चलते कुछ लाइट के चलते कुछ ज़्यादा ही पिगमेंटेशन दिख रहा है चेहरे पर। दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ माई फेस, जो कि बहुत बुरा लग रहा है, आई नो, बट इट्स ओके, दिस इज़ द रियल फेस, ओके। एंड आप जानते हो कि आपकी शमा कैमरे पर मेकअप वगैरह थोप करके नहीं आती है, जो है वो है ना। यस, आज व्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था व्लॉगिंग करने का, बट आई जस्ट थॉट कि चलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, है ना। जस्ट अ रैंडम व्लॉग इट गोना बी। मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। आई जस्ट गिव यू अ क्विक टूर हेयर, आप देखोगे कि क्या घर की हालत कर रखी है मैंने। कैन यू सी? मुझे नहीं लग रहा ये हमारे ही घर है, क्योंकि इस घर की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है। बहुत सारी लॉन्ड्री धुला था, आधे कपड़े सूख गए हैं, आधा रखा हुआ है, एंड किचन ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री हुए हैं, सब कुछ ऐसे में बर्तन धो रही थी। एंड यस, मैंने आई गेस इट्स बीन 1.5 मंथ ऑलमोस्ट, 1.5 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा, डिश वॉशर लगाना बंद कर दिया है। डिश वॉशर नहीं लगा रही, पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि डिश वॉशर में हम बर्तन डालते हैं वो फाउल स्मेल आ रही होती है, आई डोंट नो क्यों। मैं हाथ से ही बर्तन साफ़ कर रही हूँ। वो सारा सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ है जो कि मुझे धोना है। एंड यस, मुझे ट्रस्ट मी नहीं पता है कि मैं व्लॉग में क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं क्या नहीं, बट लेट्स सी। क्लीनिंग आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी बहुत ज़्यादा, अदरवाइज आप लोग बोर हो जाओगे, ऐसा कुछ है भी नहीं है। बर्तन बर्तन है जो मुझे साफ़ करने, कपड़े वपड़े हटा करके रखने हैं। सबसे पहले मैं वो सारा काम कर लेती हूँ। रक्षा को ब्रेकफास्ट बना करके दिया हुआ है, आज मैडम जी लेट सो करके उठी थी, ओके। एक बार मैं सारी सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, लेट्स। एंड हाँ, आज मुझे हेयर कलर करना है, थोड़े थोड़े से ग्रेज हो गए हैं, एंड उसको मुझे करना है। आई गेस मैंने लास्ट वीडियो कुछ 2 मंथ्स पहले डाला था, तब कलर किया था मैंने, और आज कर रही हूँ। वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हाउ आई कलर एंड एवरीथिंग, बट मैं क्या करूँगी कि पुराना जो वीडियो है उसको लिंक कर दूंगी, सो यू गाइज कैन हैव अ लुक हाउ आई डू एंड एवरीथिंग। एंड यस, एक बार सारा काम कर लेती हूँ, देन वी डिस्कस एवरीथिंग। सी यू ऑल इन अ बिट, बाय। ऑल राइट गाइज, सो अभी बज रहे हैं शाम के कुछ 6:30 के करीब, एंड आई एम इन बेडरूम डूइंग क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। अभी ये बेडिंग वगैरह मैंने थोड़ी सी सेट की है। मॉर्निंग जब आप लोगों से बात किया था, व्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद टाइम ही नहीं लगा, आई वॉज लाइक मैं भूल भी गई थी कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। यस, अभी मैंने हेयर कलर तो नहीं किया है, एंड मेरा घर बहुत गंदा हो रहा है, पूरा टाइम ही नहीं लगा था करने का। मेरा क्लोजेट की हाल देखोगे तो देखते रह जाओगे, मत ही देखो अभी। यस, आई एम जस्ट क्लीनिंग इट, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना इंक्लूड दैट पार्ट, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं भी हेयर कलर मैं कल करूँ, सो आई एम जस्ट डूइंग अ लिटिल बिट क्लीनिंग, यस। और थोड़ा ड्रेसिंग एरिया क्लीन करना है, रक्षा आ गई है, रक्षा टीवी देखो। माय नेम इज़ रक्षा, आई एम सो क्यूट एंड आई एम सो काइंड। वाओ, अपने आप से मैं देख रही हूँ पीछे, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, इट्स टू हॉट, राइट? व्हाट्स द टेम्परेचर? 32, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ पर, 32 डिग्री टेम्परेचर है। चलो क्लीनिंग करते हैं, देन आई विल सी यू ऑल। है गुड मॉर्निंग, मैं कल का जो व्लॉग था उसको आगे आज
कंटिन्यू कर रही हूँ। कल शाम में जब मैंने आपसे बात की थी कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ एंड एवरीथिंग एंड आई डिडंट गेट टाइम डिनर वगैरह करके कि मैं आप लोगों से बात करूँ। सो यस, हेयर आई एम। गुड मॉर्निंग, गोइंग टू एलडी एज ऑलवेज। कुछ 2 या 3 दिन में हैव टू गो। मैं मास्क लगाती हूँ नीचे जा करके, उससे पहले सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। ऑब्वियसली देर इज़ नथिंग टू शो यू अगेन। आप बोलोगे व्लॉग क्या कर रही है जब कुछ शो ही करने को नहीं है। तो आई लाइक इट्स अ रैंडम व्लॉग एंड आई गेस मोर वी गोना टॉक। कल मैंने हेयर कलर नहीं किया था और अब मैं आज भी नहीं करूँगी। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। मतलब एक दिन में भी आपके हेयर यू नो वो ऑयली स्कैल्प हो जाते हैं। मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि हेयर शुड बी क्लीन व्हेन यू आर डूइंग हेयर कलर एंड एवरीथिंग। सो यस, फर्स्ट मैं हेयर वॉश करूँगी। आज है थर्सडे एंड उसके बाद हेयर कलर करूँगी। सो मे बी आज शाम में करूँ फिर हेयर कलर या फिर कल करूँ। सो विल सी इन कमिंग वीडियोज, मे बी इट विल बी इन दिस वीडियो और इन अनदर, आई डोंट नो। Yesterday night only I uploaded one skin care on my another channel which is Chama Sharma. उसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखना मत भूलिएगा। आजकल मैं अपनी स्किन केयर वगैरह बहुत ज़्यादा शेयर कर रही हूँ, ब्लर हो जा रहा है बीच बीच में। सो आप वो देखिएगा। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बताया ना, जैसे कि मैंने डैमेज हो गई है अभी, एक्ने एंड एवरीथिंग। मास्क पहनने से बहुत डिफरेंस आता है स्किन पर, वही सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। सो यस, क्विकली आई एम गोना ग्रैब समथिंग फ्रॉम एलडी। मिल्क वगैरह फिनिश हो गया, एक्चुअली आई एम स्टिल स्लीपिंग। सो मुझे लगा इस टाइम का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। एंड यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, लकीली मतलब अभी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। रात में बारिश हो गई थी काफ़ी तेज। दिन वॉज डैम हॉट एंड आई डोंट नो आज का दिन कैसे जाने वाला है। सो आई एम लाइक सुबह सुबह हुआ हो ज़्यादा अच्छा। आई विल शो यू ब्यूटिफुल प्लेस नाउ। Let's go from this trail walk today. Isn't it beautiful? आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही इतना अच्छा ट्रेल वॉक मिल जाए। नहीं बट नहीं, बाहर जाना भी उतना ही जरूरी होता है। एंड आई हैव सो मेनी यू नो एक्साइटिंग व्लॉग्स इन फॉर फ्यूचर बेसिकली। इट गोना बी सरप्राइज। सो या मुझे ये जगह बहुत प्यारी लगती है इधर, यू नो यहाँ पर कई बार ही ना मशरूम लग जाते हैं। सो यस, चलो एक बारी मैं एलडी से सामान लेती हूँ, घर जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, उसके बाद विल सी यू ऑल, बाय। ऑल राइट गाइज, सो आई एम बैक फ्रॉम दी एल डी एंड फ्रेश फ्रेश हुई, थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह बना करके पिया, बिकॉज कॉफ़ी भी नहीं पिया था, मिल्क नहीं था। आजकल हमने टी बंद कर दिया, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया टी नहीं पिया है हम लोगों ने। सो यस, मैं बना रही हूँ यहाँ पर पैनकेक रक्षा के लिए, एंड सिर्फ उसके लिए बनाना है तो मैंने बहुत थोड़ा सा बैटर मिक्स किया हुआ है। एंड रवि और मैं ले रहे हैं नॉर्मल सीरियल। यस, सो क्विकली ये कर लेते हैं। एंड देन कल मैंने पूरा क्लीनिंग नहीं हुआ था, लाइक बेडरूम वॉज आई वॉज डूइंग दैट बेडरूम क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। द वार्डरोब क्लॉजेट क्लीन करना सबसे बड़ा टास्क होता है, उसको रीऑर्गेनाइज करना सबसे बड़ा टास्क होता है। लाइक मैं तो थक गई वाला हिसाब हो जाता है। सो यस, एक बार ब्रेकफास्ट क्विकली कर लेते हैं। कल मैंने दोबारा से, यू गाइज वोंट बिलीव, 3 times कल मैंने मशीन चलाई है, 3 बारी मशीन चलाई है। अगर मैं आपको हालत दिखाऊंगी तो आप बोलोगे कल से भी ज़्यादा बेहतर है, हर जगह कपड़े सूख रहे हैं। आई एम लाइक बहुत ज़्यादा कपड़े, एक्चुअली अभी कपड़े हो भी बहुत ज़्यादा रहे हैं यार। आई मीन लाइक थोड़ा सा भी बाहर निकलो तो वो कपड़े डायरेक्टली वॉशरूम में जा रहे होते हैं, ठीक है, लॉन्ड्री में जा रहे होते हैं, इस तरीके से करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो यस, आई हैव टू क्लीन, आज तो पक्के से करना ही है सारा का सारा सब कुछ। सो बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। यस, मैंने बताया ना कमिंग वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा। आई हैव टू क्लीन, लाइक आज थर्सडे है, सारा घर साफ वाफ करना है मुझे। एंड यस, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, रक्षा के लिए पैनकेक बनाती हूँ फटाफट फटाफट से, एंड देन आई विल सी यू ऑल।
ऑल राइट गाइज, सो आई एम बैक और इस बार मैं कैमरा फाइनली उठाई हूँ हाथ में बाय बोलने के लिए. आई एम लाइक व्लॉग को ऑफ नहीं, क्या कहते हैं, साइन ऑफ कर रही हूँ. एंड लुक आउटसाइड, इट्स रेनिंग. यूके का वेदर ऐसा हो रखा है कि एकदम से 32 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है, एकदम से बारिश हो जा रही है, आंधी आ जा रही है. आई मीन लाइक आई डोंट नो क्या हो रहा है करके. आई जस्ट क्लीन आई वुड से 60 or 70% ऑफ थिंग्स. अभी भी कपड़े वपड़े नहीं हुए हैं. आई एम लाइक, वैसे मैं व्लॉग में ऐड नहीं कर रही हूँ, सो मुझे लगा अभी व्लॉग को मुझे एंड कर देना चाहिए. वैसे भी इस पूरे व्लॉग में 2 दिन हो गए, मैं धूप के अगेंस्ट खड़ी हो जा रही हूँ. तो देखो चेहरा कैसा. या नाउ इट्स फाइन. सो यस, क्या कहते हैं उसको, 2 दिन हो गए हैं इस व्लॉग में, मतलब कल से मैंने स्टार्ट किया था छोटे छोटे छोटे. आई नो बहुत बड़ा हो गया होगा, लगता है कि कुछ ऐड नहीं किया है तो व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट एज ऑलवेज मैं इतना बोलती हूँ. सो यस, इससे पहले मैं बता दूँ, मैंने लंच बना लिया एंड काफ़ी दिन के बाद आज हमने मैंने पर्टिकुलरली प्रॉपर से ऐसे कुछ चीज़ बनाई. अदरवाइज हमारे साथ या तो दाल और राइस हो रहा था या फिर सैलड हो रहा था, छोटा 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 खाना. आज मैंने फिर भी सब्जी है एंड चटनी वटनी सबको साथ में करके बनाया है. तो आई विल शो यू 1 मिनट. नो राइट, सो यहाँ पर बनाया है मैंने ये ब्राउन राइस, अरहर की दाल तड़का बनाया हुआ है, ये मिंट एंड योगर्ट का चटनी है, ये बैंगन का भरता बहुत दिनों के बाद बनाया एंड सैलड है. आई नो रोटी वगैरह नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बट यस, ये भी हम लोग बहुत दिन के बाद इस तरीके से सब कुछ खाया. अदरवाइज होता वन बाउल का वो वन पॉट रेसिपीज हम लोग आजकल बड़ा बना रहे हैं, इट्स बीन 1.5 मंथ के करीब. एंड यस, दिस इज़ आवर लंच टुडे. ऑल राइट, सो यस, ये है लंच. रवि इज़ ऑन कॉल, वो एक उसका मीटिंग चल रहा है. वंस ही इज़ डन विद दैट विल हैव लंच एंड काफ़ी लेट हो गया है, 2:45 होने को आया है. सो यस, आई विल साइन ऑफ हेयर. अगर आपको मेरा रैंडम सा व्लॉग अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई नो मेरे व्लॉग बहुत दिनों में आते हैं एंड इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते जैसे और लोग व्लॉगिंग करते हैं, बट यस आई एम ट्राइंग, हमेशा बोलती हूँ ऐसे मैं. एंड हाँ, बस ये था आज का व्लॉग, माय रैंडम सा व्लॉग. पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता है व्हाट टाइटल आई एम गोना ऐड एज यूजुअल, बट यस, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब. मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी. एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे कि आपको पता चले कि मेरे वीडियोज आ रहे हैं. घर बहुत गंदा है, देख लो, बहुत गंदा घर. यस यस यस, कमेंट में बताना मुझे कि और क्या कंटेंट यू वांट टू वॉच. सो यस, नाउ बाय, फाइनल बाय बाय.